हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हाई एम्पीयर 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट। तो चलिए बनाते हैं। हमें चाहिए Z44N MOSFET। तो मैंने लिया है एक 44N MOSFET। तो इसके लिए हम इस तरह से थोड़ा मोड़ लेंगे। अब हमें चाहिए और एक BC547 ट्रांजिस्टर, इसे भी हम इसके लिए इस तरह से मोड लेंगे। अब हम MOSFET को सोल्डर कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सोल्डर कर लेता हूँ। अब हम लेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम MOSFET की पहली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे 68K रेजिस्टेंस, इसे हम MOSFET के पहले और दूसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक वायर का टुकड़ा, जिसे हम ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग को थोड़ा लंबा कर लेंगे। अब हम लेंगे 68K का और एक रेजिस्टेंस, इसे हम ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे जीनर डायोड, इसे हम MOSFET के तीसरी लेग पे और रेजिस्टेंस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से यह हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब हम इनपुट वोल्टेज देंगे तो MOSFET की बीच वाली लेग पे और ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे इस तरह से इनपुट कनेक्शन कर देंगे। ये अब हमारा इनपुट कनेक्शन हो गया है। अब हम आउटपुट कनेक्शन के लिए नेगेटिव पे लेंगे और पॉजिटिव है वो जीनर डायोड के ऊपर लेंगे। तो इस तरह से आउटपुट कनेक्शन हो जाएगा। अब हम इनपुट के लिए वोल्टेज देंगे तो आप देख सकते हैं मैं प्लस और माइनस इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब हम वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज इसका 11 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब हम आउटपुट चेक करेंगे तो आप आउटपुट पे देख सकते हैं 5.7। ये अभी लोड नहीं इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है, जब हम लोड देंगे तो ये 5 वोल्ट पे चल जाएगा। अब मैंने लिया एक बो मोटर, इसे हम चला के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से वर्क कर रहा है। और कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं आ रहा है। जैसे आप 7805 पे अगर ये मोटर चलाएंगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके एम्पीयर बहुत कम होते हैं। इस पे ये बहुत ही आसानी से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वर्क किया। अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा हेवी लोड, तो ये 12 वोल्ट 10 वाट का बल्ब है, इसे हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट पे आसानी से वर्क कर रहा है और बहुत ही ब्राइट जल रहा है, मतलब इसका एम्पीयर ज़्यादा है और कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है। तो ये बहुत ही आसानी से इससे वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको इसके एम्पीयर भी चेक करवा के दिखाता हूँ। तो मैंने मीटर पे अभी एम्पीयर कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.4 एम्पीयर ले रहा है और हीटिंग कोई भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं ले रहा हूँ एक मोटर, इसे हम लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3 एम्पीयर जाके वापस आ गया है। तो स्टार्ट होने में इससे ज़्यादा एम्पीयर लगता है और हीटिंग कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हाई एम्पीयर ये आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से आप सर्किट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।